अरे चाचा जी, ये सब्जी के साथ आपको करो भलाई खाओ मलाई स्कीम का टिकट मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। ये क्या स्कीम है? अगर आपका नाम इसमें चुना गया ना, तो आप लाखों रुपए जीत सकते हैं, लाखों। चलो ठीक है, यही सही। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब बस शिकार को इसमें फंसाना है। बधाई हो, आपका नाम करो भलाई खाओ मलाई स्कीम में चुना गया है। ये अब मैं जीत गया। और बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जितनी आप भलाई करो उसके दुगने पैसे मिलेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। करो भलाई खाओ मलाई स्कीम है ही कुछ ऐसी, हम लोगों की भलाई चाहते हैं। आप लोगों की भलाई में जितना पैसा खर्च करेंगे, हमारी कंपनी आपको उसका दुगना पैसा वापस देगी। बस आपको खर्चे के सारे बिल्स लेकर शाम 4 बजे से पहले हमारे लॉटरी ऑफिस पर आना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी लोगों की भलाई में विश्वास करता हूँ, पर मैं शुरू कहाँ से करूँ? अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करने से होनी चाहिए। आप लोगों को मुफ्त में मिठाई खिलाइए, लोगों का पेट भरना भी तो भलाई का ही काम हुआ ना। आइए मेरी मुफ्त में जलेबी खाइए, आज मेरी तरफ से सबको मुफ्त में जलेबी। कमाल है, मैं लोगों को मुफ्त में जलेबी बांट रहा हूँ और ये मुझे ही जलेबी तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ठीक है, पीछे भीड़ जरा कम है, मैं वहीं जाता हूँ। महीने भर के लिए जलेबी भर लेता हूँ। वाह, लगता है महीने भर का नहीं साल भर का स्टॉक भर लिया। हो गया क्या? अरे अरे ये क्या धोखा, मुझे जलेबी लेने वापस जाना होगा। नहीं, एक ही जलेबी नहीं बची। चाचू को जलेबी बहुत पसंद है, उनके लिए थोड़ी जलेबी ले लेता हूँ। अंकल थोड़ी जलेबी देना। बेटा एक भी जलेबी नहीं बची, मैंने महीने भर की जलेबी आज ही एक दिन में ही बेच दी। एक दिन में? ऐसा कैसे? एक भले आदमी ने सारे शहर में मुफ्त में जलेबी बंटवा दी, 2 लाख की जलेबी। 2 लाख की जलेबी? लगता है चाचू जैसा ही जलेबी का कोई बड़ा शौकीन होगा। अरे चाचा, सिर्फ जलेबी से क्या होगा? हाँ, लोगों की और भलाई करो, क्योंकि जितनी भलाई उतनी मलाई। एक काम क्यों नहीं करते, ये डिक्लेयर कर दो कि इस मॉल में अगले आधे घंटे के लिए शॉपिंग बिल्कुल फ्री, शॉपिंग का सारा पैसा आप भरोगे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, कम समय में बहुत सारी भलाई। सुनो सुनो सुनो, अगले आधे घंटे के लिए आप सब इस मॉल से जो खरीदना चाहे खरीदो, पैसे मैं भरूंगा। अरे वाह, अगले आधे घंटे के लिए मनचाही शॉपिंग, वो भी फ्री। अरे चलो 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 चलो, ये आधा घंटा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे भैया, ये टीवी दे दो। अरे
अरे भल्ला जी, कहाँ ये छोटी टीवी ले रहे हो? वहाँ महंगी वाली टीवी रखी है, वो लो, फायदे में रहोगे। अभी जाता हूँ। ओहो भल्ला जी, हटो ना रास्ते से। मम्मी, तुम्हारी वजह से मैं महंगी वाली टीवी से दूर हो गया। चाचू, ये मॉल में ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? अभी बताता हूँ। ये लीजिए सर, आपका बिल। हाँ। ओ जी, थैंक यू। 4 बजे लॉटरी ऑफिस पर मुझे मेरे पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हें इस बिल के 40 लाख दे दूंगा। 40 लाख? चाचू, 40 लाख का बिल? आपने कभी 40 लाख एक साथ देखे भी है? हुई पतीजे, ये सब लोगों की भलाई के लिए है। 40 लाख खर्च करके मुझे 80 लाख मिलेंगे। सोच, उस 80 लाख से हम फंटूश नगर की जनता की कितनी भलाई कर सकते हैं। चाचू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये रहे जी मेरे भलाई के बिल्स और लॉटरी टिकट। अब मुझे जरा मलाई दे दो। ओए, मुझे दाढ़ी मूछ नहीं, ओए मुझे मलाई चाहिए। हैं? चलाक चोर? हाँ मैं। तुमने कोई स्कीम नहीं जीता चाचा, मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया। अब जब लोग तुमसे अपने बिल के पैसे मांगने आएंगे तो तुम क्या कहोगे? चाचू, चालाक चोर ने भले ही आपको स्कीम की कोई नकली कहानी सुनाई होगी, पर इत्तेफाक से आपका लॉटरी का टिकट असली है और आपको सच में लॉटरी लग गई है। आपको लॉटरी का टिकट लेकर 6 बजे तक उनके ऑफिस पहुंचना होगा। ओए, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, समझे चालाक चोर? ओए पतीजे, ओए मेरा टिकट। ओए लॉटरी तो उस बस के ऊपर गिर गई। ओए कहाँ गया टिकट? ये टिकट कहाँ गया टिकट? ओहो, ये टिकट कहाँ गया? चाचू, वो रहा लॉटरी का टिकट। लॉटरी टिकट मेरे हाथ लग ही गई। ये और चाचा, मिल गए पैसे। चलो चलो, लाओ हमारे पैसे। ओए, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कोई पैसे नहीं है क्या? रुक जाओ चालाक चोर, इस लॉटरी टिकट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली टिकट तो मेरे पास है जिस पर ये होलोग्राम भी है। ओए वाह। हाँ, पर ये टिकट? वो तो सिर्फ लॉटरी की कलर कॉपी है। जब टिकट स्टेशनरी दुकान में उड़कर गया तो मैंने वहाँ उसकी कलर कॉपी निकाल ली ताकि तुम्हें गुमराह कर सकूं और तुम हमारा पीछा करना बंद कर दो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ओए वाह पतीजे, ओए तूने मुझे फिर से बचा लिया। अब मैं इस लॉटरी के पैसों से इन सब के पैसे चुका दूंगा। पूरे काम का पूरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ पतीजा। भतीजा,
फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा।